तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। क्लियर है? तो क्वेश्चन है बेटा, लाइन एक्स वाई एंड एम एन, ये लाइन एक्स वाई और एम एन पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है। पी ओ वाई यानी ये एंगल बेटा हमारा कितना है, 90 डिग्री। एंड ए रेशो बी 2:3 के इक्वल है। ये जो एंगल ए और बी का रेशो है ये है 2:3। हम लेट कर लेते हैं कि ए इक्वल है 2x के, ए इक्वल टू 2x और बी को मैंने मान लिया 3x। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए, करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। एक लाइन के ऊपर तीन जितने भी एंगल हैं सभी का सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। हमें यहां एंगल सी फाइंड करना है बेटा, एंगल सी। तो देखिए, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि लाइन के ऊपर कंप्लीट जितने भी एंगल होते हैं सभी 180 डिग्री के इक्वल। तो मैंने लिख दिया एक्स ओ एम, एम ओ पी, पी ओ वाई, इन तीनों का सम 180 डिग्री। अच्छा, ये एक्स ओ एम की वैल्यू कितनी है, बी, एम ओ पी की वैल्यू ए, और ये पी ओ वाई की वैल्यू बेटा 90 डिग्री गिवन है। तो इसकी जगह मैंने 90 डिग्री इक्वल टू 180। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, यहां से बी प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री आ गया। क्लियर? अच्छा, बी कितना है, 3x हमने कंसीडर किया था, प्लस ए की वैल्यू 2x, दैट इज 90 डिग्री, मीन्स 3 + 2 5x इज इक्वल्स टू द 90 डिग्री। क्लियर है? तो बेटा x की वैल्यू अपने पास आ गई 90/5। क्लियर है? तो यहां से आप आंसर अपना निकाल सकते हो कि आपका आंसर कितना आया। क्लियर? तो यहां से क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल्स टू द 18 डिग्री, राइट? अगर x 18 है तो a की वैल्यू कितनी है, 2x। क्लियर? तो इसका मतलब बेटा a इज इक्वल्स टू 2x, दैट इज 36 डिग्री। यह मैं करके दिखा देता हूं आपको, 2 इंटू एक्स की जगह 18 रखेंगे, दैट इज 36 डिग्री। सिमिलरली b इज इक्वल्स टू 3x, दैट इज 3 × 18, मीन्स 54 डिग्री। क्लियर है बेटा? अब हमें a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, फाइंड करना है c। अब देखिए, m n ये भी तो एक लाइन है बेटा। क्लियर है? m n क्या है, एक लाइन। तो इस लाइन के इधर भी जितने एंगल होंगे उन सभी का सम भी कितना, 180 डिग्री। तो दोबारा से हम करें लिखेंगे कि वी नो दैट ये एंगल B प्लस C दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि लाइन की ओर के जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल B प्लस एंगल C, दैट इज इक्वल्स टू द 180 डिग्री, राइट? तो अब देखिए बेटा, एंगल B की वैल्यू हमने फाइंड की है 54, मींस 54 + C इज इक्वल्स टू द 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, दैट इज 126 डिग्री। क्लियर है बेटा? दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।